की जरूरत पड़ी, जो पहले से जीवित है उसमें प्राण प्रतिष्ठा की क्या जरूरत थी, ये सवाल स्वामी प्रसाद की। हालांकि इसे लेकर उनकी पार्टी के विधायक ने सवाल भी उठाया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बार फिर विवादित बयान स्वामी प्रसाद मौर्य की। रामलला प्राण प्रतिष्ठा का ऐसा लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले रामलला थे ही नहीं। एक और कहा जाता है कि देश के करोड़ों करोड़ों आराध्य के भगवान हैं श्री राम, और भारतीय जनता पार्टी उन करोड़ों करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत कर ऐसा ड्रामा कर रही है कि जैसा कि लगता है कि राम को हम लाए हैं, जबकि ये जगदीश है, ये पूरे संसार सब मालूम है, हजारों साल से राम की यहां पर पूजा होती चली आ रही है। आप मानते हैं राम की पूजा? और जब राम की हजारों साल से पूजा चली आ रही है तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा का प्रश्न कहां उठता है? स्वामी प्रसाद मौर्य पर एसपी मेदोपाड़। एसपी में स्वामी प्रसाद मौर्य का जोरदार विरोध। स्वामी प्रसाद मौर्य पर बोले एसपी विधायक मनोज पांडे, स्वामी प्रसाद मौर्य का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, पार्टी की नसीहत देने के बावजूद नहीं मान रहे स्वामी, विक्षिप्त हो चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। देखिए स्वामी प्रसाद क्या क्या बोल रहे हैं इस पर मैं कोई बयान नहीं देना चाहता हूँ। जिस व्यक्ति का खुद का मानसिक संतुलन ठीक ना हो वो व्यक्ति ऐसे ही बयान देता रहता है। लेकिन पार्टी मना करके उसके बावजूद भी ये बयान देखिए, कई बार पार्टी ने उनको कहा, लेकिन विक्षिप्त आदमी को उसके लिए जब उस शब्दों का नहीं सुनना है, वो पार्टी के निर्देश को नहीं सुनना है, तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। राम मंदिर पर स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान के बाद सियासी पारा हाई है। मामले पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य का क्या कुछ कहना है आपको सुनवाते हैं। जो भी इस प्रकार का वक्तव्य दे रहे हैं बहुत ही दुखद है। आज पूरी दुनिया प्रभु रामलला के भव्य मंदिर के लोकार्पण पर हर्षोल्लास से धूमधाम के साथ त्योहार जैसा पर्व मनाया। पूरी दुनिया में सभी मंदिरों में धूमधाम के साथ पूजा हुई, लोगों ने कीर्तन भजन किए, दीपोत्सव मनाया। ऐसे अवसर पर जो इस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं उनको ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा, और अपने देश की जनता, प्रदेश की जनता समय आने पे उनका सबक जरूर सिखाएगी। समाजवादी पार्टी 2024 में समाजवादी पार्टी बनने वाली है, वो कैसे बनेगी, क्यों बनेगी, उसके कारण सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी हैं, क्योंकि इस पार्टी में कोई भी अगर कुछ बोलता है तो बिना समाजवादी पार्टी के मुखिया के आदेश के नहीं बोल सकता। इसलिए किसी भी प्रकार के बयान के लिए मैं श्री अखिलेश यादव जी को जिम्मेदार मानता हूं। अगर किसी के बयान से वो सहमत नहीं है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें, और अगर वह कार्रवाई नहीं करते हैं तो जो भी जहरीले बयान आ रहे हैं, जिस भी ओर से आ रहे हैं, जब भी आ रहे हैं, उसके लिए केवल और केवल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी जिम्मेदार। हमें नहीं करना, जनता की अदालत में कार्रवाई हो जाएगी जिसमें सपा समाजवादी पार्टी बन जाएगी। राम मंदिर पर स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान के बाद सियासी पारा हाई है। मामले पर बीजेपी नेताओं का क्या कुछ कहना है सुनिए।